प्रीमियम हैचबैक i20 को बाजार में आए 10 साल हो गए हैं। कंपनी अभी से थर्ड जनरेशन अपडेट दे रही है। अभी इसका ऑफिशियल लॉन्च तो हुआ नहीं, लेकिन इसकी कुछ तस्वीरें और डिटेल्स जरूर रिवील हो गई हैं। नई i20 पहले से ज़्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी नज़र आ रही है। इसके फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन नई इलेंट्रा और वर्ना फेसलिफ्ट जैसा है। इसमें LED डे टाइम रनिंग लैंप से लैस नए लुक वाले LED हेडलैम्प दिए गए हैं। नई i20 की ऊंचाई स्पोर्ट्स कारों की तरह थोड़ी कम कर दी गई है और इसकी रूफ लाइन भी इसे स्पोर्टी लुक दे रही है। इसके अलावा नई i20 को 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं, जो इसको और भी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। Hyundai मोटर्स ने नई i20 के रियर प्रोफाइल को पूरी तरह बदल दिया है। इसमें पतली सी लाइट बार से कनेक्ट होते हुए रैप राउंड टेल लैम्प दिए गए हैं। इसकी डुअल टोन ब्लैक रूफ भी काफ़ी आकर्षक लग रही है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि कंपनी इसके इंटीरियर में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से लैस बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कई सारे कम्फर्ट फीचर्स देगी। Hyundai मोटर्स नई जनरेशन i20 को भारत में अगस्त 2020 तक लॉन्च कर सकती है। इसे 5.7 लाख रुपए की शुरुआती कीमत के साथ पेश किया जा सकता है। इस कार का मुकाबला मारुति सुजुकी बेलिनो, टोयोटा ग्लेंजा, टाटा एल्ट्रोज, होंडा जैज और फॉक्सवैगन की पोलो जैसी गाड़ियों से होगा।